वाह यहाँ से अपना ढूंढ का ट्रैक शुरू जैसे ये उजड़ा तमन वैसे यहाँ के ऊंचड़े हुए पहाड़ हैं इसको डंडा दो भाई कोई लास्ट इनको डंडा लेने की कि आस्था <laughs> किसको चाहिए हो तो दस रुपए दस रुपए दस रुपए देखो खतरनाक स्माइल बंदे की दस रुपए में ओ एक क्या पकड़ा है तुमने ना यहाँ से भटके तो फिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी रे बाबा तो भाई जेर आपने भोले बाबा जी का मंदिर ये देखो और हवा चेक करो भाई क्या सही हवा लगी है यहाँ पे यहाँ पे अभी बर्फ नहीं है भाई बर्फ होती ना तब क्या सही मजा आता तो हैल्कम बैसे तो तो आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मैं और मेरा भाई इस टाइम निकल चुके हैं हम ट्रैकिंग के लिए जो मैंने आपको कल बताया था और इसको तो आप जानते होंगे हमारे नमन शर्मा जिनका शॉर्ट नाम नैनू <laughs> यमुनानगर वाले ब्लॉग में आपको मिला होगा और ये रही अपनी बाइक तो अभी आधे रास्ते में पहुँच गए हम तो ऐसा कुछ रास्ता है आप चेक कर सकते हो और सामने की लोकेशन चेक करो भाई क्योंकि घर से हमने शुरू नहीं किया ब्लॉग आज क्योंकि लेट हो गए थे घर से तो हमने सोचा बीच रास्ते में कर देते हैं तो यहाँ पे लोकेशन सही लगी तो यहाँ पे रुक गए हम तो यहाँ पे नया रास्ता बना है कोई त्रिउंड के लिए तो आधे रास्ते तक जाएगा है, उसके बाद पड़ेगा हमें पैदल ट्रैक करने पहले तो हम नीचे से कर रहे थे लेकिन लोकल बंदे मिल गए थे उन्होंने बोला कि ऊपर चली जाएगी बाइक वगैरह तो आप वहां जाके खड़ी कर देना बाइक और वहां से पैदल और भाई यहाँ से जो व्यू है ना खतरनाक व्यू आ रहा है देखो सामने के पहाड़ क्या सही लग रहे हैं ये देखो मस्त बिल्कुल और रोड भाई पूरा ऑफ रोड वो भी खतरनाक वाला हाँ, हम कब से पता नहीं वो आए हम नीचे से जाए नीचे घर वगैरह दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे तो आप सोचो यहाँ से आए हैं हमें ऑफ रोड करते करते तो अभी और भी पता नहीं कितना होगा ऊपर तक तो देखते हैं फटाफट से जहाँ तक जा पाएंगे फिर उसके बाद बाइक खड़ी कर देंगे और देखो चमक अपनी बाइक खतरनाक और एक बैग हमने तैयार कर लिया सब कुछ खाने पीने का सिस्टम पूरा तो हेलमेट वगैरह वहीं रख देंगे इन्होंने बोला शॉप वगैरह है वहां पे तो बस अभी चलते हैं आगे ग्यारह नंबर का ट्रैक शुरू हो गया मतलब कि पैदल चलना और सामने का व्यू और बाइक हम बाइक वहां पे कर दी हमने पार्क तो यहां से हमें पैदल पड़ेगा अब आगे जाने और सामने का व्यू चेक करो भाई क्या सही व्यू आ रहा है तो अभी यहाँ से पैदल यात्रा हमारी शुरू होती हुई भाई फुल वाइब के साथ चलते हैं डंडा लेते हैं ना डंडा तुम्हें तो दे कर दूंगा ही पूरे रास्ते में डंडा तुम्हें दे कर दूंगा मिल ब्रो डंडे मिल गए डंडे और चल तू डंडे गिनने लेने नहीं एक लेंगे ब्रो फुल वाइब के साथ चल रहे ना हां इसको डंडा दो भाई कोई लाके इनको डंडा लेने की आदत है You, nutty, nutty. भाई यहाँ से चेक करो पूरा धर्मकोट दिखाई दे रहा है यहाँ से जहाँ से हम बाइक लेके आए ना अभी तो पूरा गांव दिखाई दे रहा है ये देखो ये चेक करो भाई और सामने की पहाड़ी अभी खतरनाक लग रही है आज और हम तो खतरनाक है ही चलो तो क्या नाचो <laughs> भाई यहाँ से अपना त्रिउंड का ट्रैक शुरू और देखो भाई यहाँ से चलते ही हमें खतरनाक रास्ता मिल गया है देखो <laughs> और हम बढ़िया से सेट हो गए हैं चश्मा चश्मा लगा के और अभी से गर्मी पड़ना शुरू हो गई है तो जैकेट हमने खोल के बांध दी यहाँ पे जहाँ ठंड लगेगी वहाँ पहन लेंगे और चश्मा चश्मा लगा के बढ़िया मज़े करेंगे अब आगे देखते हैं क्या क्या है और खाने पीने का सिस्टम तो हमने ले रखा है पूरा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है बीच में देख लेंगे अगर चाय वगैरह लेनी होगी और भाई जो यहाँ का व्यू है ना मोटा ही ओह डकार भी आ रहे हैं स्टिंग के <laughs> क्योंकि स्टिंग अभी और यहाँ से भाई जो जो व्यू आ रहे हैं ना ये देखो मस्त व्यू बिल्कुल तगड़े और रास्ता भाई अभी तो फिलहाल हम दो ही बंदे हैं बाकी तो एक दो बंदे और मिले थे लेकिन वो वापिस आ रहे थे ओ, और हम लेट भी हो गए आज तो ग्यारह बज गए होंगे आई थी क्योंकि रूम से को दस बजे चले थे तो वहाँ से ऊपर आते आते आपको बताए थोड़ा टाइम लग जाता है फिर हो हो और वैसे आधा ट्रैक तो हमने बाइक पे कर लिया क्योंकि वैसे हम नीचे से आ रहे थे लेकिन बढ़िया हुआ कि लोकल बंदों से पूछ लिया हमने उन्होंने बता दिया रास्ता हो यहाँ पे बढ़िया सिस्टम है भटको के भी नहीं आप क्योंकि यहाँ पे एरो लगाए हैं बंदों ने देखो कि यहाँ से ऊंड का रास्ता तो सही है और पूरे रास्ते पे आपको गंदगी भी नहीं है हो 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 तो चलते हैं फटाफट से और नैनू भाई फिर आ रहे स्वाद <laughs> तो अपना एक भाई तो आया नहीं उसने सुबह मना कर दी अब मने तो फिर हम दो ही आ गए पर चलो कोई नहीं अब हम दो ही चलेंगे एक दूसरे का सहारा बन के आ, क्यों नुभा सहारा तो हमको चाहिए होगा सहारा चाहिए इसको भाई दे दो कोई आके ओ,

फिलहाल तो ऐसी कुछ जगह में पहुंचे हम और यहाँ पे आपको पुराने घर दिखाता हूँ भाई जहाँ पे बंदे रहते होंगे किसी टाइम ये देखो सामने जो भी आपको एक घर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे बने हुए और ये सारे पत्थर के बने थे जो पहले के घर है वो देखो भाई पत्थर के घर हैं और यहाँ पे बंदे बने कैसे रहते होंगे बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे आते तो वो है सामने वो चेक करो उस साइड देखो जो सामने दिखाई दे रहे हैं भाई इन ज्यादा हाइट पे ना बंदे आते जाते कैसे होंगे नीचे और ये पूरा फॉरेस्ट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी होगा यहाँ पे सीन कुछ क्योंकि यहाँ पे जाले वगैरह तो फॉरेस्ट के लगे हैं तो अभी तो सही चल रहा है बढ़िया मजे आ रहे हैं स्टिंग के दो दो घुट लगाए जा रहे हैं और ट्रैकिंग हो <laughs> ट्रैकिंग पे चढ़े जा रहे हैं <laughs> और गर्मी भाई खतरनाक क्योंकि चढ़ते चढ़ते ना खतरनाक गर्मी लग रही है लेकिन जहाँ पे रुक रहे हैं तो वहाँ तो ठंड लग रही है लेकिन अगर कंटिन्यू चलते रहो तब ठीक है सिस्टम और अपने नैनू भाई जी यहाँ पे गायब हो चुके हैं तो इनकी फटके पांच या छह हो गई है कितनी होगी भाई फटके हम <laughs> बता नहीं सकते इतने पीस हो चुके हैं ओ इनके बहुत ज्यादा पीस हो गए हैं अभी नीचे जाके इनकी सिलवानी पड़ेगी मेरे को फिर से देखिए मैं तभी लगा के चल रहा हूँ ये देखो भाई सब छुपा के रखते हैं <laughs> लेकिन दिखाता कोई नहीं <laughs> तो अपने भाई ने भी छुपा के रखी है इस टाइम क्योंकि समझ रहे हो ना आने वालों सब को सबको छुपानी पड़ती है <laughs> <laughs> क्योंकि आपके भाई ने भी छुपाई है जैकेट के साथ <laughs> अभी हो हो जाते यहीं पे जय जय कर रहा था मैं और देखो भाई बिल्कुल शांति और हमें कोई बंदा नहीं मिला ट्रैक पे अभी जो भी मिल रहा है वो वापिस ही आ रहे हैं हमें दो ही बंदे हैं जो चढ़ रहे हैं वो भी मिल भी कौन रहा है वो वो भी लड़की। वो भी लड़की लड़कियां जो हाय बोल के जा रही है जो कि हाय बोल के जा रही है ओ चलो बच्चे खुश रहने चाहिए अपना क्या है नैनू भैया की फटके फिर से बहुत ज्यादा होगी है तो अभी स्टिंग से सी जाएगी <laughs> तो एनर्जी हमें भी दीजिए हमको देखिए वहां जाना है अभी हमने वहां जाना है देखो चेक करो टॉप जैसे। अभी क्या इससे आगे भी हो क्योंकि हम पहली पहली बार जा रहे हैं पहला पहला प्यार है सनम <laughs> ट्रैक की जान है ना क्यों <laughs> <laughs> भाई है तो ट्रैक हाँ रेड बुल वगैरह सब फेल है जितने की रेड बुल लेंगे, उतने की, हम कितनी लेंगे ना फाइनली हमें बर्फ दिखना शुरू हो गई है सामने और नैनू जी यहाँ पे खुश और यहाँ पे चेक करो आप भाई पूरा धर्मशाला दिखाई दे रहा है और नीचे स्टेडियम भी दिख रहा है धर्मशाला का वहां पे वहां जैसे है और ये जो नीचे का एरिया है ये वो है जो आपको कल दिखा रहा था वह हम गए थे बक्सुनाग साइड तो ये पूरा एरिया बक्सुनाग का है जो नीचे है टेम्पल तो अभी यहाँ से दिखन रहा है क्योंकि पहाड़ है ना बीच में और इस साइड को नीचे को भी है जो वाटरफॉल कल गए थे ना आपको दिखाया था हमने तो वाटरफॉल भी यही है यहाँ से भी होता है तेरेऊ का ट्रैक शुरू लेकिन हम आए धर्मकोट से तो हम धर्मकोट होके आए हैं उनका ट्रैक शायद दो पतले वाली पहाड़ी से होता है शायद जहां मैंने आपको घर में घर वे आप दिखाया ना पुराने वहां से और धूप तो इतनी ज्यादा तेज है ना इतनी गर्मी लग रही है क्या में आ रहे है, में। है ना और हम ऐसे ही जैकेट उठा के आ गए ऐसे अगर दिन दिन में वापिस हो जाएंगे हम तब तो जैकेट की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी थी लेकिन लेट हो जाएंगे ना शाम को तब लगती है ठंड तो बर्फ का तो मेरे को शायद ही लगता है कि दी मिलेगी भी नहीं मिलेगी तब थोड़ा और ऊपर चढ़ जाएंगे अगर मिल जाएगी तब तो थो देखेंगे बढ़िया है क्योंकि ये देखो सामने वाले पहाड़ पे तो दिख रही है भाई बर्फ ना और पता नहीं क्या सिस्टम है सोगा so हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पहाड़ी इलाके ये ये देखिए रास्ता यहाँ से भटके तो फिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी रे बाबा क्योंकि ये देखो <laughs> फिर नीचे पता का मिलोगे आप नाग वाटरफॉल ये देखो ये देखो बस यहाँ पे उजड़ा चमन जैसे उजड़ा चमन होता है ना जैसे ये है उजड़ा चमन वैसे यहाँ के उजड़े हुए पहाड़ हैं मस्त जोक है <laughs> <laughs> जहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर मिलेंगे देखने के लिए और यहाँ पे हम जैसे बेले लोग आते हैं घूमने के लिए ये देखो सस्ता शाहरुख खान <laughs> खान साहब हमारे और भाई तक और भाई देखो यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की जात है यहाँ पे सिर्फ पत्थर है और घास है और हम दो लौंडे हैं और कुछ नहीं और और है।, है और आप लोग हमारे साथ और हमारे साथ सिर्फ क्या है स्टिंग है गरीब बंदों की निशानी गरीब स्टिंग गरीब नहीं खाली स्टिंग अरे यहाँ पे नहीं क्या सिस्टम बनाया यहाँ पे समझ रहे हो कुछ भी कर सकते हो <laughs> जो मन में आए बारिश से बचाओ और भाई व्यू खतरनाक यहाँ पे कहाँ जाएंगे अभी हम अभी यहाँ पर देखिए मेरी फोटो सस्ते शाहरुख खान की फोटो ली जाएगी यहाँ पे जो कि आएगी काली कलूटी ये यह देखो यहाँ पे सिर्फ खाली पहाड़ और खाली पत्थर उजड़ा चमन यस yes. तो ये ट्रिप की सबसे डरावनी जगह <laughs> खतरनाक डर है और ये यह देखो यहाँ पे बांधा भी है कुछ तेरे पीछे कुछ है बांधा हुआ ओ. और के चार होगी है इसकी फिर से <laughs> यहाँ पे भाई मोटा ही पता नहीं क्या है रात को तो फट जाएगी कि पता नहीं क्या है क्या देख रहा है और देखो जगह भी खतरनाक है <laughs> सिस्टम पता नहीं क्या है बंदे ने <laughs> जी नैनू ब्रो फिर कैसी रही अस्सी हजार के जूते रही है देख के कैसा रहा किल डिवाइन नेचर भाई डिवाइन ने यहाँ पे फास्ट फूड खोल दिया नेचर का तो पहला स्टे हमने ले लिया है वो भी बिल्कुल टॉप पे आके भाई यहाँ से तो थोड़ा बहुत ही बचा है ट्रैक दिख रहा है सामने का और देखो पीछे का व्यू कैसा ही आ रहा है तो यहाँ पे रुके हैं बोरी भी इस तरह हमने वहाँ पे रख दिया थोड़ी देर के लिए और ये हमारे नैनू जी तो यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हैं थोड़ी बहुत तो जो कि आपको मिलेगी कहाँ पे पे इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे, पे, पे मिलेगी तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो भाई और चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि क्योंकि पता नहीं क्योंकि <laughs> तो भाई सामने खतरनाक उजड़ी चमन पहाड़िया मोटा <laughs> ही सिस्टम पर ये है। और पर नेटवर्क देखो और नेटवर्क है यहाँ पे तो आपको पता है कि इंटरनेट से दूर होके ही ऐसी जगह में जाया जाता है तो यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हैं फटाफट से फिर चलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं तो गाइज फिर से चल पड़े हैं फोटो वगैरह ले ली और तगड़ी तगड़ी फ़ोटो आई है तो मिल जाएगी आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए ये देखो गाइज कैसे रास्ते पे आ गए हम भाई पत्थर ही पत्थर सिर्फ पत्थर ही है और यहाँ पे पीछे वो भी लगी थी वार्निंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया की भाई पत्थर वगैरह गिर सकते हैं आपके ऊपर तो यहाँ से तो भाई फटाफट से निकल लो क्योंकि ये देखो आप नीचे को पूरी खाई है बस इस पत्थर के बाद ना नीचे को डान में तगड़ी खाई है ये देखो ऊपर से आता होगा ग्लेशियर का पानी वगैरह ना यहाँ शायद क्या होता यहीं से आया हो जब धर्मशाला में वो फ्लड वगैरह आया था तो ऐसे एरिए से आया होगा वो भी क्योंकि ऊपर से आया था ना ग्लेशियर साइड से तो क्या आपता यहीं कहीं से आया हो क्योंकि भाई यहाँ का सिस्टम चेक करो सब कुछ तैसा ना है देखो अ पेड़ पौड़ कैसे पड़े हैं यहाँ पे <laughs> बिल्कुल ही और कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं यहाँ बीच में ये देखो ऊपर और ये तो ऐसे ही रुके हैं भाई कभी भी गिर सकते हैं देखो तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट से सो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं नैनू का वेट वो रह गया है पीछे ही तो मैं आ गया हूँ आगे तो हम पहुँचने वाले हैं आप चेक करो बस यहाँ से हमेरा एक कर किलोमीटर ज़्यादा नहीं है क्योंकि नीचे पूछा था हमने जो बंदे वापिस आ रहे थे ओबर थे डेढ़ किलोमीटर बचा यहाँ पे रुक के मैं उसका वेट कर रहा हूँ और ये देखो ऐसी कोई लोकेशन और इस पत्थर पे लेटा लेटाऊँ मैं बढ़िया आराम से तभी तो ये आएगा फिर कंटिन्यू करेंगे आगे एक तो बड़ा स्लो चल रहा है हाई इन देर को तो पहुँच जाना था हमने तो अभी कोई चक्कर नहीं अभी चलते हैं उसका वेट करते हैं ना आने वाला होगा अभी फिर चलेंगे बस यहाँ से आप देख सकते रास्ता और ये सामने देखो टॉप पे भाई ये रहा बस थोड़ा सा ही बचा है बस बाकी कर लिया हमने कंप्लीट और अभी सिर्फ हमें एक या डेढ़ घंटा हुआ है चलते वो बस बाकी हमने कर दिया है तो आज पंद्रह बीस मिनट आगे का रख लो बस पंद्रह बीस मिनट में ऊपर टॉप में पहुंच जाएंगे फिर आपको सीधा टॉप दिखाते हैं भाई चल के कि क्या है वहाँ पे और किसके लिए फ़ेमस है त्रिन् ट्रैक और यहाँ का ख़तरनाक फेमस ट्रैक है और मोटे मजा आ रहा है और इसकी फटके पचास होगी बैग के लिए नहीं तेरे को बोला नहीं ऊपर टेंट के तो ये टेंट नीचे। तो ये है। चला जा। इसको मैंने बोल के किया था कि बैग एक और लेके आ। तब साले को चैन नहीं है तब इसको नहीं नहीं एक बैग लेंगे हम दो तो क्या कर नहीं तो ना मना कर दिया था मैंने मैंने किया था ठीक है बड़ा ही स्लो है यार ये बंदा इसको सांडे का तेल पड़ेगा देने <laughs> जिससे कि ये बेचारा फास्ट हो जाए क्या यार नैनू फटाफट चलो मैंने <laughs> फट गई फिर से है इस रास्ते पे इसकी कितने फट गई आज पचास पूरी <laughs> छपाई है बंदे ने देखो <laughs> मजा आ रहा है फिर है बहुत हाँ गया स्वाद है जिंदगी दा यहाँ से भाई देखो जब से हम ट्रैक पे चले नीचे से सिर्फ यही व्यू दिख रहा है <laughs> नीचे भी यही था ऊपर आके भी यही है तो बस थोड़ा सा बचा है देखो बिल्कुल ही जरा सा क्यों ये देखो किसी को चाहिए हो तो दस रुपए दस रुपए दस रुपए देखो खतरनाक स्माइल बंदे की दस रुपए में ओ ये क्या पकड़ा है तुमने <laughs> तो गाइस मैं ऐसे कुछ लोकेशन पे पहुंच गया हूँ ये चेक करो रास्ता बताओ आपको कहाँ कहाँ से चढ़ा मैं ये देखो भाई बिल्कुल यहाँ से आ गया मैं नीचे से नैनू अभी भी आ रहा है तो अभी पता नहीं ट्रैक उस साइड है या फिर इस साइड पूछना पड़ेगा यही किससे और अपने इंडिया का झंडा भी लगाया वहाँ पे ये देखो भारत माता की जाए ओए ये देखो भाई ऊपर की लोकेशन क्या सही है और सांस फूल गई खतरनाक वाली तो अब अपने भाई का इंतज़ार करते हैं और वो भी देखते हैं कि ट्रैक है कहाँ से शुरू मुझे तो पता ही नहीं है आधे लोग उस साइड जा रहे हैं आधे इस साइड जा रहे हैं तो कोई मिलता है तो उससे पूछते हैं कि कहाँ जैसे भाई ट्रैक हो वो अच्छा ट्रैक तो नीचे है दिख गया भाई ट्रैक थोड़ी मंदिर पहुंच गया हम भाई चूड़दार चूड़दार नहीं त्रिउंड, भोले बाबा जी के पास और भाई सामने की पहाड़ियां दिखाता हूँ मैं आपको ना कि इस टाइम हम हैं कहाँ पे ओ भाई यार अगर अभी एक डेढ़ महीना लेट आते ना तो पूरे मिलने बर्फ़ यहाँ भी और देखो व्यू चेक करो भाई सामने क्या मस्त आ रहा है ये देखो कल कल तक तो ये पार्टिया में आपको ऐसे बता रहा था दूर से और अब देखो क्या सही है ये देखो भाई कितने ऊपर हाइट में आ गए भाई हम यार मोटाई में जाए देखो और वो सामने राम मंदिर हाँ नीचे ही है आ गया देखो ओ हो अब अपना भाई बुला रहे है। चलते हैं यार यही है बस पहुंच गए तो नीचे से आ रहा है मैं फालतू में चढ़ा इतने ऊपर <laughs> तो अभी वो है मंदिरों देख सामने तो वहाँ पे जा रहे हैं अब हम और देखो बजरंग बली का भी है छोटा सा वहाँ पे बना हुआ तो पूरा दिखाते हैं आपको चलते हैं नीचे यार बर्फ नहीं है बर्फ होती ना भाई क्या मज से ये देखो इस टाइम क्लियर है बिल्कुल ही पर चलो कोई नहीं नीचे चल के बताते हैं आपको भाई यहाँ पे आके अपना त्रिवुंड ट्रैक होता है ख़त्म तो ये देख सकते हैं ये भोले बाबा जी का मंदिर यहाँ पे छोटा सा तो इसी के लिए जाने जाता है त्रिउंड तो यहाँ पे इसी के लिए आते हैं लोग और भाई जब बर्फ़ होती है ना तब तो सही लगता है और अभी ऊपर भी है मंदिर क्योंकि इससे आगे भी बथेरे ट्रैक हैं देखो ऊपर टॉप पे एक और मंदिर है वहाँ पे तो ये देखो भाई लोकेशन देखो आप क्या सही है यहाँ की तो फटाफट से दर्शन करते हैं भोले बाबा जी के और थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे मजे करते हैं बाकी पूछते हैं कि ऊपर क्या है अगर जाना होगा तो देखते हैं नहीं तो वापिस चलेंगे फिर थोड़ी देर के बाद आपने भोले बाबा जी का मंदिर ये देखो और हवा चेक करो भाई क्या सही हवा लगी है पे। ये देखो और ये देखो व्यू यहाँ पे अभी बर्फ नहीं है भाई बर्फ होती ना तब क्या सही मजान था और नैन ब्रो कैसा लगा फिर यहाँ के इतनी मेहनत करके आते हैं सबसे बहुत <laughs> खतरनाक मजा अभी तो ऊपर भी मंदिर वहां पर नहीं सिस्टम है तो यहाँ पे पूछेंगे जो ये दुकान वाले हैं इनसे ये देखो खतरनाक तो गाइस यहाँ पे फुल रेस्ट चल रही है सो के बढ़िया मजे ले रहे हैं और सामने का व्यू भाई जो व्यू है ना खतरनाक मजा यहाँ पे लेट के उसी का आनंद लिया जा रहा है देखो बढ़िया पैरों पे पैर रख के और सामने का व्यू देखो भाई क्या मस्त सही व्यू आ रहा है एक एक गलत व्यू गंदा व्यू सबसे गंदा व्यू तो यही है जो मेरे साथ चल रहा है <laughs> अच्छा व्यू है मेरे जूतों के साथ <laughs> ये देखो सिस्टम सही सिस्टम oh, Girl, been भाई ये देखो आपको यहाँ पे टेंट का सिस्टम भी मिल जाएगा पूरा रेंट पे और यहाँ पे खाने पीने का बढ़िया सिस्टम है देखो और उस साइड भी मिल जाएंगे आपको टेंट वगैरह सब कुछ तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है भाई बस अपना बोरी बिस्तर उठाओ और आ जाओ <laughs> बाकी वो है अगर जब सीजन वगैरह लगते हैं ना तब ये सब पूरी जगह पैक होती है देखो अभी फ़िलहाल तो आपको बताया बस कम ही बंदे हैं तो अभी तो ऐसे आ जाओ आप जब मर्जी आपको रें टेंट वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे रेंट पे ये देखो और अपने आप ला सकते हैं आप टेंट वगैरह सही लोकेशन है यहाँ पे लगाने के लिए और सामने का व्यू तो भाई सही है पर यहाँ पे बर्फ़ नहीं है अभी है लेकिन चलो जो है अच्छा है <laughs> और इस साइड को पूरा धर्मशाला नीचे को नहीं से दे रहा है। मेरे पास एंड्रॉयड फोन है एक और इसमें सी टाइप ही लगता है तो मैंने आईफोन फोन को लगा दिया इसके साथ चार्जिंग तो बढ़िया से फुल कर लेते हैं इसको क्योंकि एंड्रॉयड का सही सिस्टम है देखो अभी एटी एट परसेंट और मेरे फोन में बची है सिर्फ ट्वेंटी तो यहाँ पे फटाफट से चार्जिंग कर लेते हैं ये तो भाई पावर बैंक का काम कर रहा है <laughs> क्यों है अपना सिस्टम हो गया बस।, बस बढ़िया अब पे चार्जिंग लगा लेते हैं थोड़ी देर और फुल हो जाएगा अपना फोन थोड़ी देर में तो भाई यहाँ पे बैठे थे हम थोड़ी देर तो यहाँ पे तीन बज चुके हैं हमें एक बजे के पहुंच गए थे हम तो अब चल पड़े हम वापिस तो बाय बाय बोलते है भोलेनाथ जी को तो वो सामने था ट्रैक और ऐसा गुस्स था व्यू तो व्यू को भी बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं वापिस अपनी बाइक के पास और रहे। मामा। आजा फटा फटे। इसके नहीं होते बाइक खत्म लड़कियों की तरह हमारी लड़की है ये और भाई ना मजा आ गया और नैनू ब्रो कैसा रहा ट्रैक आपका बहुत है बहुत बढ़िया बताइए हमारी जनता को <laughs> मजा आया जनता आएगी तब पता लगेगा जनता <laughs> को आया मजा की नहीं एक बार आके देखो भाई सही है खतरनाक यार जिंदगी के मजे लेने हो ना तब दबाओ यहाँ पे नीचे तो आपको पता है गाड़ियां गुड़िया तो सब चलाते हैं बाइक के भी जो बंदे चढ़ जाए वही तो काम है आवे जिंदगी में अपने पैर से लके देखा वही तो यहां तो अपने पैरों पे ही है पैर जिंदाबाद तो सब जिंदाबाद क्यों है ऐसे तो के खाते रहो तो एक तो एक तो यहाँ पे भाई चार्जिंग ना हमने तो इतना यूज़ भी नहीं किया फ़ोन कम ही कर रहे थे जितना हो सके फिर भी भाई बैटरी ना जेब में रखे रखे ही ख़त्म हो गया हमारी सिर्फ ट्वेंटी सिक्स बची। और जो फ़ोन के साथ अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है चार्जिंग तो इसलिए कोई चक्कर नहीं अब कम यूज करेंगे अब सीधा मिलेंगे आपको नीचे या कुछ होगा बीच में तो आपको दिखा देंगे तो आप फटाफट से चलते हैं वापिस सो so भाई ने आधा रास्ता कवर कर लिया वो भी सिर्फ पच्चीस मिनट में और नैनू तो पता नहीं ही रह गया भाई वो तो पीछे पीछे तक नहीं दिखाई दे रहा है और ये देखो किन्ने नीचे आ गया वहा थे अब वहा थे हम थोड़ी देर पहले और अब देखो भाई आप यहाँ पहुंच गया है ये देखो बस इस पहाड़ के बाद थोड़ा सा ही बचा हमें यहाँ पे एक तो मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ उसके लिए वेट करने के लिए वाइन राय और भाई यहाँ से देखो सिस्टम चेक करो भाई यह देखो यहाँ से जरा सा पैर फिसला तो बस जिंदगी खत्म अब वो पता नहीं कहाँ रह गया और देखो अभी तो वहाँ है रास्ता वहा बंदे चल रहे हैं तो भी लगेगा पता कहाँ जैसे तो हम कंटिन्यू चले रहते हैं अभी आ जाएगा वो आगे जैसे रुकते हैं ना वहाँ पे शॉप वगैरह है तो वहां पे देखते हैं सीन पानी कुछ बाकी उतरने को लगता है भाई टाइम चढ़ने के लिए लगता है थोड़ा बहुत टाइम उतरने के लिए तो आपको पता है कंटिन्यू चलते रहो तो एक या डेढ़ घंटे में उतर जाते हैं हम और भाई चढ़ भी हम जल्दी गए थे हम चले थे नीचे से ग्यारह बज गए थे आई थिंक जहाँ पे हमने बाइक वगैरह खड़ी कर थी तो वहां से चलते चलते और एक सवा एक बजे हम प्रॉपर ऊपर बैठे थे त्रिवुंड में बढ़िया भाई मजेदार मजा आया क्योंकि हम गए कंटिन्यू चलते चलते बीच में एक या दो स्टे लिए हैं हमने जो कि फोटो वगैरह के लिए A few inches later. So guys, finally आपका भाई पहुंच चुका है नीचे ट्रैक अपना हो चुका है कम्पलीट तो यहाँ से मेरे को सिर्फ एक घंटा एक घंटे पंद्रह मिनट लगे सिर्फ और भाई पूरे ट्रैक कर लिया अब नैनू आएगा वो पता नहीं कहाँ रुक गया फिर से तो यहाँ पे कूड़ा वगैरह हमने यहाँ पे डाल दिया सारा और भाई ना सबसे सही बात कि यहाँ पे पूरे ट्रैक पे ना कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा कहीं भी एक परसेंट भाई एक भी कागज मिल जाए पूरा साफ है बिल्कुल और भाई देखो शाम हो गई हमें आते आते और सही मजेदार और ये अपनी बाइक यहाँ पे तो अभी चलेंगे फटाफट से पर उसका इंतजार पड़ेगा करने यार स्लो बंदा है मेरे साथ <laughs> तो भाई सही मजा आ गया खतरनाक मजे लिए खतरनाक मजे किए हमने और ऊपर हम रुके आई थिंक एक सौ एक बजे पहुंच गए थे हम तो वहां से चले हम तीन सौ तीन बजे मतलब की दो ढाई घंटे आराम से रेस्ट किए अब चलेंगे से और अपनी बाइक किसी ने गंदी कर दी है गाइस ये देखो मिट्टी मुट्टी फेंक दी है यहाँ पे या ऐसा हो सकता है यहाँ कीचड़ है ना ये गाड़ी गुड़ी से पड़ गया होगा तो भाई कूड़ा आप भी मत फिलहाना भाई पहला ट्रैक देखा मैंने जहाँ पे एक परसेंट एक परसेंट भी कूड़ा नहीं है पूरा साफ था और ट्रैक और मजा आ गया और एक बात और भाई पानी अपना ले जाना क्योंकि पानी का भाई एक भी झड़ना नहीं है ऊपर एक भी जैसे हर एक ट्रैक में होता है न एक भी झरना नहीं है जैसे नेचुरल वाटर मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा भाई यहाँ पे पानी पुनी लेने पड़ेगा वो भी चालीस की बॉटल है ऊपर जाके वो तो हमने बीच में ली मिड पॉइंट में वहाँ पे मिली है चालीस की ऊपर तो पता नहीं कितने की होगी जो व्यू पॉइंट है बिल्कुल टॉप पे जाके पर चलो ठीक है और एक देखो डॉगी ही <laughs> तो आप अब, अब चलेंगे वो आ जाए फटाफट उसका वेट करता हूं अब सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हमारे <laughs> स्लो एंड स्टडी स्लो बंद दिखाओ भाई दिखाओ ये देखो ये। ओ, जूतों का हाल मेरे भी ऐसा होगा आगे से फट गए मेरे भी दोनों जूते अब मुझे नए पड़ेंगे ले। इस ट्रैक पर आना तो आपको जूते नए लेने पड़ेंगे ट्रैक के बाद और कैसा रहा फिर लौंडे बहुत बढ़िया पहला ट्रैक था ना तेरा कैसा लगा तेरे को मेर जैसे गाइड के साथ <laughs> हो गया अच्छा <laughs> नहीं तो बैठ गए थे पहले अब चलते हैं। है ना क्या अब गाड़ी वाला फेंक गया साफ करो भाई करो साफ करो लो लो, लो। सो जाओ इस पे इतनी बड़ी तो है ये जैकेट अच्छी लगे मतलब काम पीछे हो ना ऐसे मुड मुड़ तो देख इतनी बड़ी तो है वाह बैठो और बिल्कुल बाइक में, में सारी जगह ही नहीं है कपड़ा ये ये जगह है।, है देखने वाला जगह है यहाँ तो सारे कपड़ा भी जलेगा और मैं भी जलूंगा साथ में चलो भाई अब चलते हैं फटाफट और शेयर ठोक महाकाल शेयर ठोक लीजिए पांच हजार लोटे तक जाना चाहिए